अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो एन अदर व्लॉग के साथ हाज़िर हैं मुस्तफ़ा अलवी और आप देख रहे हैं विलेज इन सिटी 99। जो हमारे गांव के इर्द गिर्द एरिया है, हमारे गांव के ऊपर जो बीआरबी नहर है उसके ऊपर हम एक व्लॉग बनाए और बीआरबी के ऊपर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जनाब, लोग यहाँ पे बैठ के मछली का शिकार भी करते हैं और यहाँ पे एक मशहूर प्लेस है जिसको कहते हैं सैफन, जो कि करबाठ गांव का सैफन के नाम से मशहूर है कि करबाठा का सैफन भाई उत्थे जाना है। तो आपको आज सैफन की सैर करवाते हैं। तो ये मुलाजा फरमाए कि इस वक्त जो है ना, मैं नहर दी बन्नी दे उत्ते खड़ा वै, तो इतों जनाब साढ़े जिन्हें भी किसान है वो अपने जमीना कोई वाह रहा वै, सामने ट्रैक्टर चल रहा वै, कोई जमीना वाह रहा वै, कोई इस टाइम चारा जात कट रहा वै, और जड़ा वै पिंड का जड़ा वै व्यू वो तुम चैक करो। और इतने किन्ने सोने फुल खिले है, ठीक है। ये आस्ट्रेलियन इनू किकर कहें, लेकिन इतने बड़ी आम हैगी है, बकरियां इनू बड़े शौक न खादियाँ वै, इनू आस्ट्रेलियन किकर का नाँ दिता जाता वै। और नहर के उत्ते इनू एज़ अ वाड़ बाड़ जो कहते हैं, एज़ अ बाड़ इसको लगाया गया। इसके कांटे भी बड़े जो है ना खतरनाक किस्म के होंगे जे, ठीक है। ये देखें जी कांटा इसका, कंडे दिनों बेताशे गए हैं। तो लो असी जरा ना सैफन हूँ जाके डिस्कवर करिए। तो यह साड़ी शराट, तो शराट साड़ी हजे बदली नहीं है, इन्हें सानू साडा बहुत साथ दिता। ये लाहौरों शेखपुरे भी जाती है, तो यही शराट जी है वह कभी गुजरांवाला का रुख कर लेंदी है, तो यही शराट साड़ी जी है वह कभी कभी जी है ना वो दिल करे तो नारोवाल में भी चल जाती है। तो हूँ यदा थोड़े दिन पहले दिल मूड बनया वै कि वजीराबाद जाना वै, तो असी इस शराट के उत्ते वजीराबाद का भी चक्कर लाना वा किस दिन। तो चलो आओ जी चलीए। तो असी इस टाइम नहर के उत्ते खड़े हैं बन्नी दे, ते हूँ असी मूव करते हैं सैफ नाल। साड़ी कोशिश होएगी कि जड़ा असी ना व्यू तुहानू भाइए बड़े सोहने सोहने, यह वेखो जी किन्ना प्यारा व्यू है, ठीक है। तो नहर की प्लेस जी है बीआरबी नहर की, क्या बात है। तो इस नहर के थोड़े जे वाकयात भी तुहानू सुनावांगे, तो साडे नाल जुड़े रहो। तो जिहड़े नवें आए जे भरा साडे, उह चैनल नू सबसक्राइब करो, तो बैल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करो। तो इत्थे मच्छी का शिकार हो रहा वै, तो पता नहीं भाई उन्होंने मच्छी फड़ी या नहीं फड़ी। भाई कोई मच्छी नहीं, भाई कहिंदे कोई मच्छी नहीं यार, तो बस चस्के लै रहे हैं, बस शौक दीआं गल्लां वै। भाई हुणी ना तो मसाला लाउन लगे है, कुंडी सुटन लगे है, वह दहाने ढालना शेयर करते हैं कि भाई हुणी किहड़ा जुगाड़ लाते हैं मच्छी फड़न लगे हैं। यह देखो भाई उन्होंने कुछ फड़े हाथ च। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये केड़ी शै हैगी है? ये रोटी है जरा। रोटी आम जिहड़ी घरां खाईदी है, ते मच्छी लग जाएगी इहदे नाल? बिल्कुल, सानू पसंद है ते मच्छी नू पसंद। अच्छा जी, लोकी दे अजकल पता नहीं की टिकटॉक दे होंदे और जिदां दा पैनाडोल दा सिरप हुंदा वै, झूठ बोलदे ने ओह पांदे ते मच्छी सारी लग लग जांदी है, झूठ बोलदे ने पाइणा दे जी, झूठ बोलदे। वेखो जी किन्ना प्यारा सीन हैगा बीआरबी नहर दे उत्ते, ठीक है। कि आ वेखो, आ वेखो भाई हुणी मच्छी दे वास्ते भाई जन सुटन लगे जे। ते वन टू थ्री गो बिस्मिल्ला जी। ए लो जी नहर दे विच इन्हां ने सुटती भाई उन्होंने, ते हुण वेखदे आ चेला करे कि कैमरे दे विच आ जाए छे छे दी कोई मच्छी लग जाए। मैं लगता मच्छी सुनन दे कान ला के नहर दे विच। लो जी आ जिहड़ा ऐ वाला थले वाला, ये घुंगरू लगा वै, जो तो मच्छी लगेगी तो घुंगरू बोलेगा जी, नचती आएगी। वाह लो जी इन्होंने घुंगरू लाया उते। जो तो मच्छी लगेगी तो नाल ही घुंगरू खड़के दा। लो जी सैफन ते असी आ गए हैं, ते असी अपनी शरार जिहड़ी इत्थे रोकदे हैं, ते अज सैफन डिस्कवर करदे हैं। ते मैनूं रस्ते जांदे होया मोर्चा नज़र आया वै, ठीक है। ये सन 71 च मोर्चा बनया, सन 65 की जंग तो कोई साल बाद, ठीक है, 65 और 5 ते 6 साल बाद
इतने दोबारा एक वार हुई तो यह सन 65 सन 71 का मोर्चा वै और इतों जोड़ा वा फिर उदो कब्जा सगा इस हिस्से ठीक है पाकिस्तानी आर्मी का। तो यह साड़ी जी सैफन, तो सैफन के उत्ते वेखो कि पानी किस तरह मूव कर रहा है और बहुत प्यारा व्यू है सैफन साढ़े का। ठीक है मेरे को ड्रोन हों तो मैं तुम्हें दिखा सकता सगा कि सैफन कितना प्यारा है वह। तो कितनी स्पीड दे नाल पानी मूव हो रहा, बहुत स्पीड दे नाल पानी मूव हो रहा। तो मैं दसदा जावां तुहानूं कि सैफन इहनूं क्यों आंदे है, आखिर इहदी वजूहात की हैगी है, सैफन किस वर्ड नूं कहा जांदा वै। तो किसी भी जगह तो जिथों नहर लंघ रही हुंदी है तो उस नहर दे विचों किसी होर जगह नूं सब ब्रांच पानी दिता जाए और वो थलों जोड़ा वा पानी मूव हो रहा हो, लेकिन इतने नहर का पानी नहीं लंघ रहा, इतने जोड़ा वै पानी यह वेखो कि स्पीड से जोड़ा वा ना वो पानी सैफन तो मूव हो रहा जी और इतने जोड़ा वै वो थलों नहर नहीं लंघती बल्कि थलों जोड़ा वै इतने वो गंदा नाला जोड़ा इंडिया चू अमृतसर चू आ रहा वै ए मेरे बिल्कुल जिथे मेरी उंगल हैगी है इतने इस तकरीबन जोड़ा वै 20 किलोमीटर पिछे अमृतसर है वै, क्योंकि पाकिस्तान का बार्डर इतों जोड़ा वै वो 9 किलोमीटर पिछे है इस नहर तो। ठीक है यह सरीं का तुम दरख्त देख रहे जे, इनू शरीं भी कहें है, सरीं भी कहें है और ये सन 71 का दरख्त इतने लगा हुआ वै और यह जगह तुम वेखो यी जगह वै इन कोई मोर्चा नहीं सीगा बल्कि इतने जड़ा वै वो टैंक खड़ा हुंदा सीगा और वेखो किन्नी उच्चा जिहा चबूतरा टाइप बनाया और ये बिल्कुल नाल दरख्त सीगा। ठीक है पहले दरख्त लगा हुआ सीगा, ये सन 71 का दरख्त है तो आर्मी ने अज तक ये दरख्त नूं कट्ट नहीं दिता किसी नूं, तुसीं वेख सकदे जे कि दरख्त खड़ा वै लेकिन सुक गया वै लेकिन उन्हूं कट्ट नहीं दिता गया। हुण असीं नहर तों थोड़ा जिहा वेड़ा हट के तो नहर के थले जा रहे हैं कि जिहड़ी यह रोई लंघ रही है थले जी अमृतसर तो उन्होंने निकास का पानी आ रहा वै वो तुम विखाने हैं। तो यह साड़िया इलाके जमीन वा जिन्हों साड़ी नहर सराब कर दी बी आर बी। तो ऐसे तुम वेखो इतों का पॉइंट मैं शुरू करता वै कि जितों पानी डिग रहा वै थले फटिया तो इनू सैफन आते है। ठीक है जदों किसी नहर का या दरिया का पानी थलों की गुजर के उत्तों नहर जाए और थलों कोई दूसरा पानी जाए उन्होंने सैफन आते है। यह जगह बहुत प्यारी है, इस टाइम दर बांधे गए थे और यह जो पानी थोड़ा बहुत निकल रहा वै ये दरों के थलों कोई ऐसी यानी कि प्लेटा जी ना खिसक गई वा अपनी जगह तो। तो यह पानी थोड़ा बहुत नहीं, यह पानी साढ़े एक दाने जिन्ना पानी है वै, यानी कि अगर ये पानी दिन रात चलता जाए तो मेरा ख्याल है कि जो साढ़े दाने पानी पैंता वै ना जितों साड़िया जमीन शराब होंदिया वै ओना पानी है ये निकल दिया और ज़ाया हो रहा वै, क्योंकि जोड़ा रोई का पानी है ना ये जाके दरिया रावी च डिगदी है, ये रावी जी इंडिया चू आँदी है और रोई जिनी हडियारा ड्रेन असं कहने ये भी जारी साड़ी रोई है ना ये अमृतसर चू आँदी है और कैसी गल है दोनों पानी एक कला पानी तो उधर दरिया रावी का पानी जाके हैड मराला के मुकाम से इकट्ठे मिलते हैं। तो यह साड़ा सैफन जी हुण इहदे कोल जाने असीं पिंडां दे विच इहो जिहे जिहड़े तफरीही मकामात हुंदे इत्थे बहुत दुनिया आउंदी है बहुत लोग आउंदे आ, लेकिन सामने आर्मी की चैक पोस्ट हैगी है उन्होंने पिछे जे मना कर दिता क्योंकि इत्थे लोग फैमलियां नाल आउंदे सीगे और बच्चे जिहड़े छोटे सीगे वह फैमलियां उन्हां दीआं मावां जिहड़ीआं सीगीआं वह उन्हां दी कोई एडी केयर नहीं सी करदीआं, वह इत्थे आ के अपना फोटोशूट करना शुरू कर दिंदीआं सीगीआं और फोटोशूट तो इलावा ना अपना मतलब कि अपने चीज़ों मगन हो जाते थे। वो एक दो बच्चे नहर के गिर गए तो जिसकी वजह तो आर्मी ने मना कर दिता। तो यह पुल जोड़ा वह लक्कड़ का पुल है जी, तुम देख सकते लक्कड़ का पुल है। ठीक है इनू साढ़े कश्मीर की दियार की लक्कड़ जी है वह लगी है, एक साड़ी जी महकमा एरीगेशन है वो बारे सारा लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एरीगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है तो तुसी ए नज़ारा चैक करो, पहले असी पिछे जाके दिखा रहे सीगे
बिल्कुल कोको कोला वर्गा पानी हैगा वे, देखो तुसी किन्ना काला शाह पानी है। तो यह थले जिहड़ा वा तुसी वेख सकते जे कि थले पानी जिहड़ा गुजर रहा वै, यह उत्ते बरामदा टाइप बनया वै, लेंटर पिया वै, उत्ते नहर रंग रही है, यह वेखो उत्ते नहर है, कैसा सीन हैगा वै, उत्ते नहर हैगी है, ठीक है। और ये नहर किन्नी चौड़ी है, और अगे फिर रूई जिहड़ी है उहदे परले पासे रूई थलों निकल रही है, यह वेखो। मैं तुहानूं सीन समझा सकां अगर मेरा कैमरे सारा कुछ आउंदा वै। यह अमृतसर है, इधरली साइड दे अमृतसर दा पानी जिहड़ा वै वह मूव होके आ रहा, और बी आर बी दे सैफन है, और सामने बी आर बी कनाल आ रही सीधी, और थलों दी पानी यह लंघ रहा जी। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और इतने पानी की स्पीड इन्नी तेज़ है कि मैनू खलो के डर लगन लग गया। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। यह पोल जिहड़ा वे इत्थे एक टाइम एक ही बंदा लंघ सकता वै, और मेरा ख्याल है कि दूसरा बंदा नहीं लंघ सकता। और लोग इतों बाइक जी ना मोटरसाइकिल वो अपनी निगाह लेंगे है। यह जी सैफन है, उत्ते वो मशीनरी लगी है, वनू चलाते हैं, तो ये फटे जड़े है उत्ते हो जाते हैं। यह साड़ी नहर का व्यू है, और सन 58 दे विच ये नहर निकली 1958 दे विच, और उदों दी ये चल रही है, और पूरी आबो ताब ना चल रही है, और बड़ी ज्यादा हुण लागे जिहड़ी तुसी पोल वेख रहे जे ये डिफेंस DHF-7 आ गया। इत्थे यह सारिया जमीन होंदियां सीगियां, और बंजर जमीन सी जदों सन 65 का मारका होया, तो इन्हां जमीना ते ही अपना जहाज जिहड़े उन्हां दे जंगी जहाज सी इंडियन आर्मी दे, वो अपना गोला बारूद गोलाबारी करते रहे हैं। असी सैफन दे उत्ते चढ़ रहे हैं जी, और चढ़ गए उत्ते जी। क्या बात है, क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा जी, वधिया हो गया जी, वधिया हो गया। तो यह वेखो ना फैमलियां नूं क्यों बंद किया गया, मैं तो रेंजर की इजाजत लैके आया वै। यह जो उत्ते लोग चढ़ते से ना, तो यह पैर आ गए तो लोग डिग भी जाते हैं, और थले देखो एकदम पानी है, और थलों पानी मूव हो रहा वै।